नमस्कार दोस्तों, अपना कॉलेज से चला है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसका अपना लास्ट टॉपिक है वन साझेदारी खाता वैल्यू में समाप्त। यदि 31 मार्च को खाते बंद कर दिए हैं और नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में यानी अप्रैल में आपको पता चले कि हमने पिछले वर्ष में ये त्रुटि कर दी थी, ये मिस्टेक कर दी थी हमने, तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम उसमें काटा छांटे तो कर नहीं सकते, यानी पीछे की गलती को सुधारने के लिए हम उसे काट नहीं सकते। अतः हम क्या करते हैं, उसमें अगले वर्ष में ही इस तरह कुछ समायोजन कर देते हैं ताकि पीछे का सारा सुधार हो जाए। ये मान लो पिछले साल हमें साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पूंजी पर ब्याज देना था, लेकिन वो हम ब्याज देना भूल गए, या किसी पार्टनर को कोई सैलरी देनी थी वो सैलरी देना भूल गए, या ऐसे मान लो ब्याज किसी और रेट से लगाना था किसी और रेट से लगाना। ये बात हमें तब पता चली जब हमने खातों को बंद कर दिया और लाभ आदि निकाल दिया। तो उसमें सुधार करने के लिए आपके पास नेक्स्ट ईयर में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो एक प्रविष्टि द्वारा सुधार, और नंबर दो भी होता है प्रविष्टियों द्वारा सुधार। प्रविष्टियों द्वारा सुधार या इसका दूसरा नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या पीछे की गलती को सुधार सकते। एक तो एक प्रविष्टि द्वारा सुधार, इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक प्रविष्टि करनी होती है और उसके द्वारा पीछे से आपने कितनी भी गलतियां करती हो पीछे का सारा सुधार हो जाता है। लेकिन इसमें एक प्रविष्टि तक पहुंचने के लिए हमें एक विश्लेषण तालिका एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है, उस टेबल के द्वारा ही आप उस प्रविष्टि तक पहुंचते हैं और उस प्रविष्टि द्वारा सुधार कर देते हैं, उससे पीछे का सारा सुधार हो जाता है। एक प्रविष्टि द्वारा सुधार या लाभ हानि समायोजन खाता पर सुधार, इसमें क्या होता है एक प्रविष्टि न होकर प्रविष्टियां होती है, एक प्रविष्टि से ज्यादा प्रविष्टियां होगी और एक इसमें खाता बनेगा उसमें उसका नाम होगा लाभ हानि समायोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बंद साझेदारी खाता वैल्यू में समायोजन करने के लिए पहले जो आपके पास समायोजन है वो एक प्रविष्टि द्वारा सुधार, ये पहले भी दिया कि एक प्रविष्टि करोगे पीछे का सारा सुधार होगा। लेकिन आपको एक इस प्रविष्टि तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक टेबल बनानी है, उस टेबल के द्वारा ही आप उस प्रविष्टि तक पहुंचोगे। और वो टेबल कैसे बनेगी उसका प्रारूप देखो, यदि अपनी एक द्वारा सुधार इसमें एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट लिखते हैं उसके शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको फाइनल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे इसमें कॉलम कैसे होते देखो, यानी कि इसमें ऐसा कुछ करेंगे कि सारी की पीछे की सारी गलतियों का सुधार एक साथ किया जाएगा कि एंट्री के द्वारा।
इसमें देखो एक तो पर्टिकुलर का बलून है, और जितने पार्टनर होंगे उतने बलून होंगे। पार्टनर मान लो कितने वो मान लेते हैं, ये और भी दो पार्टनर है, तो पहले इसकी दो बलून बनाओ, लास्ट में जाके ए और बी को जोड़ के क्या बनेगी, एक फर्म बनेगी। दोनों का जो मिला है वो एक फर्म ही है, तो ए के लिए कोई प्रॉफिट होएगा तो वो फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होएगा, और अगर फर्म के लिए प्रॉफिट है तो वो ए या बी के लिए लॉस होएगा। तो ए को लॉस बनेगा, इन दोनों को जोड़ के आपको एक फर्म का कॉलम बनाना है। एक दृष्टि द्वारा सुधार करते हैं, तो पहले आपको स्टेटमेंट स्वयं फाइल एडजस्ट में बनाना, एक इसमें पर्टिकुलर का कॉलम बन गया अपना, एक ए का बी का जितने पार्टनर उतने कॉलम, और दोनों को जोड़ के एक फर्म का कॉलम बन, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर वाले को छोड़ दो, बाकी जो तीन कॉलम है इनके वापस दो दो टुकड़े कर दो। एक डेबिट होएगा, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट, इसका ये से होगा एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर वाले अकाउंट को छोड़ के और सबके क्या होंगे, तीनों के दो दो टुकड़े हो जाएंगे, एक डेबिट का कॉलम बनेगा, एक क्रेडिट का कॉलम बनेगा, एक डेबिट का कॉलम बनेगा, एक क्रेडिट का कॉलम बनेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे आपको साथ आपको चीज देना भूल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें देखना है कि उस सारे दावों के लिए इनकम का सोर्स है या फिर उनके लिए एक्सपेंसिव है। जो सारे दावों के लिए इनकम है फर्म के लिए क्या होगी, एक्सपेंसिव होगा। जो सारे दावों के लिए एक्सपेंसिव है फर्म के लिए क्या होगी, इनकम। अतः क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करोगे कि उन्हें वो मदद देनी है, अगर वो देने के साथ जाते हैं तो उसके खाते में तो क्रेडिट कर दो, आगे फर्म के जाते हो डेबिट, ठीक है। जैसे आपने इसको यदि समझे, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कैसे होगा। अपने देखो मान लेते हैं ए और बी, इसी एग्जांपल द्वारा समझते हैं। किसी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं जिन्होंने 31 मार्च 2018 को खाते बंद कर दिए, 31 मार्च 2018 को खाते बंद कर दिए। अब उसके बाद देखो 31 मार्च 2018 खाते बंद करने के पश्चात उन्हें नियमन त्रुटियों का पता चला, चला एक अप्रैल 2017 को ए की पूंजी 50,000 तथा बी की पूंजी 40,000 थी, जिस पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाना पड़ेगा। ये तो एक अप्रैल 2017 को समाप्त हुआ, 31 मार्च 2018 को उन्हें खाते बंद कर दिए, लेकिन उनकी पूंजी जो दे रखी है वो 1 अप्रैल 2017 की दे रखी है, क्योंकि ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही दिया जाता है। अगर प्रारंभिक पूंजी आपके पास नहीं है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो आप अगर ब्याज कब दोगे,
कौन उसके लिए आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो आपको क्या करना है, पहले प्रारंभिक पूंजी निकालनी पड़ेगी, और प्रारंभिक पूंजी निकालने के बाद आप उसको इन्वेस्टर शेयर से ब्याज देना पड़ेगा। तो एक तो आपका क्या हो गया कि 1 अप्रैल 2017 को ए की पूंजी 50,000 और बी की पूंजी 40,000 थी, जिस पर आप 10% तक की दर से ब्याज लगाना भूल गए। नंबर टू, ए को 10,000 रुपये वेतन देना भूल गए, सैलरी नहीं दी। ए को 10,000 रुपये वेतन देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। बी को 20,000 रुपये प्रति वर्ष कमीशन देना था, जो नहीं दिया। नंबर 4, वर्ष के प्रारंभ में ए ने 20,000 रुपये तथा बी ने 40,000 रुपये का आरडी की, जिस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना था, जो नहीं लगाया था। लाभ आने का ₹3.2 मान लो अपना सवाल है, एक कि ए और बी दो साल तक 31 मार्च 2018 को खाते बंद करते हैं, और खाते बंद करते समय उन्हें मन त्रुटियों का पता चला। पहला था कि 1 अप्रैल 2017 को ए की पूंजी 50,000 की पूंजी थी, ए की तो कितनी थी 50,000 और बी की कितनी थी 40,000, जिस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना था, जिन्होंने ब्याज लेना था वो नहीं दिया गया। एक और 10,000 रुपये सैलरी देंगे, 10,000 रुपये सालती है देना था लेकिन वो देना भूल गए। बी को 20,000 रुपये प्रति कमीशन देना था तो नहीं दिया गया, और वर्ष के प्रारंभ में ए ने 20,000 रखा, बी ने 40,000 रुपये कारण किया, जिस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना था जो नहीं दिया गया। लाभ अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। लाभ अनुपात कितना है, 3:2 में। अब इतना कार्य हमारे लिए भूल गए, इतना कार्य करने से पहले इतना जानते हैं, अगर यहाँ पे पूंजी 31 मार्च 2018 की दे रखी हो तो पहले आप उससे कि वो निरंतर पूंजी होगी 31 मार्च 2018 को, उसमें आपको प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी पड़ेगी, और प्रारंभिक पूंजी का सूत्र क्या है, तो प्रारंभिक पूंजी बराबर अगर मान लो अंतिम पूंजी दे रखी हो, पहले अंतिम पूंजी दे दो आप, उसमें आरण वापिस ऐड कर दो, आरण ऐड कर दो, और जितना लाभ पहले साथ हुआ था वो लाभ हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर लाभ लाभ का डिस्ट्रीब्यूट किया ही होगा उसे क्या करेंगे वापिस लेस करो, माइनस लाभ में हिस्सा। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने के लिए अंतिम पूंजी में आरण जोड़ देंगे और लाभ में हिस्सा वापस घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका
प्रारंभिक पूंजी आएगा और ब्याज उसी पे देना होता है। लेकिन सर यही प्रारंभिक पूंजी रखी है इसलिए ब्याज हुआ प्रारंभिक पूंजी पे लिखा। अब गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले आप नंबर एक डालो, आपने दृष्टि क्या करी कि आपने पूंजी पर ब्याज नहीं दिया, ए और बी, ए और बी को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया। सबसे पहला कार्य आपका क्या है, ए और बी को पूंजी पर ब्याज दोगे जो कितना परसेंट है, 10%। तो पहले यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट, वो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है क्योंकि ने पूंजी पर ब्याज मिलना था, लेकिन फर्म के लिए तो वो क्या हो गया, एक लॉस हो गया, एक एक्सपेंसिव हो गया, ये उल्टा हो गया, साझेदारों के लिए आय है वो फर्म के लिए व्यय हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो साझेदारों को देना है हमें, इसलिए उनके खातों में क्रेडिट करनी है। अब ए की पूंजी कितनी दे रखी है, 50,000, 50,000 का 10% 5,000। बी की पूंजी 40,000, 40,000 का 10% 4,000। तो 5 और 4 हम इस सारे दरों के लिए तो अलग क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन फर्म के लिए तो एक साथ ही लॉस हो गया। तो सबसे पहला कार्य आपका क्या है, 5 और 4 जोड़ के अगर आपने सारे दरों के क्रेडिट किया तो फर्म के इसमें हो जाते हैं, क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। फर्म के क्या करोगे, 9,000 रुपये डेबिट कर दोगे। अब नंबर दो पे क्या है, नंबर दो पे है ए को 10,000 रुपये वेतन देना भूल गए। ये सिर्फ किसको देना है, ए को। अब ए को वेतन देना है तो ए को वेतन ए के खाते में क्या करो, क्रेडिट करो क्योंकि उसे देना है। जबकि ए को देंगे तो फर्म के लिए तो वो क्या हो गया, फिर लॉस हो गया, डेबिट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी लिखो सीधी। अब ए सैलरी इतनी दूर नहीं क्योंकि ए के कॉलम में लिखी है तो ए की अपने आप हो जाएगी, सैलरी लिख दी यहाँ पे। अब किसको देनी है, ए को, ए के खाते में क्रेडिट करो। ए को सैलरी वो कितनी देनी थी, 10,000 रुपये। बी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर वही सारे दाते क्या करें, क्रेडिट, तो फर्म के क्या करोगे, डेबिट करोगे। नंबर तीन पे है कमीशन, अब कमीशन देना, देखो बी को 20,000 रुपये प्रति वर्ष कमीशन देना था जो नहीं दिया गया, अब 20,000 रुपये प्रति वर्ष कमीशन देना है इसको बी को। तो बी पार्टनर है, बी के लिए तो वो क्या है, फायदा, उसे तो क्रेडिट करेंगे लेकिन फर्म के लिए फिर डेबिट करेंगे। तो कमीशन है ये भी कोई इसका प्रभाव ही नहीं है, किसको मिला ये, बी को, बी के क्रेडिट करो। कितने रुपये का कमीशन देना है, 20,000 रुपये प्रति वर्ष, तो 20,000 का कमीशन दे दिया उनके क्रेडिट को, क्योंकि बी के क्रेडिट हुआ तो बी एक साझेदार के डेबिट हो जाएगा, उसके क्रेडिट हो गया। अब नंबर चार पे है इंटरेस्ट ऑन रोइंग, इंटरेस्ट ऑन रोइंग। अब इंटरेस्ट ऑन रोइंग है वो देखो ए और बी से फर्म वसूल करती है, इन्हें ड्रॉइंग साझेदार करता है तो उससे क्या इंटरेस्ट वसूल किया जाता है। ये फर्म के लिए इनकम का साधन है और पार्टनर के लिए क्या है, ये एक्सपेंसिव है। तो पार्टनर के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंसिव हो गया, इसे डेबिट करेंगे। देखो तो वर्ष के प्रारंभ में ए ने 20,000 रुपये का और बी ने 40,000 रुपये का ऋण दिया है जिसपे कितना परसेंट ब्याज आया, 10%। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, इसके डेबिट करो। और बी के डेबिट करना है 40,000 का 10%, 4,000। और 7,000 के डेबिट के लिए फर्म के क्रेडिट करोगे, क्या करोगे, फर्म के क्रेडिट करोगे, कितने रुपए क्रेडिट होंगे, 4,000 को 6,000 रुपए, क्या करोगे, 4,000 को 6,000 रुपए को क्रेडिट करोगे। इसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले आपको फर्म वाला कॉलम मिलाना है। सबसे पहले क्या करोगे, फर्म वाला कॉलम मिलाओगे। तो फर्म का कॉलम मिलाया, फर्म में देखो किधर कम है, क्रेडिट में कम रहेगी, 10 और 9 19 1920 39,000 39,000 में से 6,000 तो कितने का डिफरेंस आया, 33,000।
39 हो गया, वो 6 था, कितने का डिफरेंस आ गया 33 का। इस तरह से फर्म को बना इसका टोटल भी 39 आ रहा है, इसका भी 39 आ रहा है, इसका भी 39 आ रहा होगा, इसका भी 39 आ गया। उसके बाद अब देखो तो 33 आ रहा फर्म को क्या हो गया, नहीं होगी क्योंकि क्योंकि 13 तो ज्यादा है, देने 6 आ रहे, देने 39 आ रहे, तो 33 आ रहे की फर्म को हानि होगी। लेकिन हानि किसके लिए होती है, आनी है वो सारे दालों के लिए होती है क्योंकि फर्म में सारे दाले होते हैं। इसलिए आपको 33,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें ए और बी में। अब फर्म के वो 33,000 रुपये ने क्रेडिट कर दिए और ए और बी के क्या करेंगे उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि जब आनी ही है तो वो बहन तो कौन करेगा, ए और बी करेगा क्योंकि पार्टनर तो वही है। इसलिए क्या करोगे आप, पहले यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट, ड्यू टू अमंग पार्टनर इन रेशियो 3:2 में दो, तो जितना लॉस हुआ है वो क्या करेंगे हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या करेंगे 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितने लॉस हुआ इसमें, लॉस देखो 33,000 का हो गया, 12,000 रुपए पहले डेबिट मिला है, डेबिट इसके 39,000 होंगे और क्रेडिट कितना 6,000 का, डिफरेंस कितने का 33,000 का। अब 33,000 का जो डिफरेंस है बांटना तो हमें पार्टनर नहीं है, वो क्या करना है हमें पार्टनर में ही बांटना है। किस रेशो में बांटना है, 3:2 में बांटना है, तो 3:2 में बांटोगे तो पहले देखो कितना कितना आएगा, एक का हिस्सा आ गया 33,000 का 3/5, क्योंकि रेशो क्या है ना 3:2 3/5 यानी 600 को से गुणा करो 19,800 कितना गया 19,800। बी का हिस्सा 33,000 का 2/5 कितना गया 13,000, ए का हिस्सा आ गया 19,800 और बी का कितना आ गया 13,200। अब क्या करेंगे अपने 19,800 और 13,200 ये अपने डेबिट करेंगे इसके ए और बी के, ए के कितना डेबिट करना आपको 19,800, बी के कितना डेबिट करना 13,200, यानी कि 19,800 तो ए के हिस्से में आनी आ गई और बी के हिस्से वो 13,200 आ गई। अब क्या करना आपको इस पूरे का टोटल लगाना है, जितना टोटल आए वो लगाते जाओ, इनका तो बराबर हो ही गया, इसका हो गया अपना 21,800, इसका हो गया 15,000, इसका हो गया अपना 17,200 और इसका हो गया 24,000। जितना टोटल आया उतना लिख के छोड़ दो। उसके बाद यहां पर आपको लिखना है फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट में क्या करना है, दो डेबिट और क्रेडिट का इनका डिफरेंस निकालना है और जितना ज्यादा हो क्रेडिट करना है, तो देखो इधर आ रहा है 15,000, इधर आ रहा है 21,800, इसके डेबिट में ज्यादा है तो डेबिट के अंदर वहां इसे डेबिट ज्यादा से करना है, क्रेडिट कम से करना है, तो ये आ गया 6,800, इधर ज्यादा 6,800 का, इधर वही
क्रेडिट में जाता है 6000। अब इससे आपको एक बात पता लगती है कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। मान लो बी के क्रेडिट होता तो ए के डेबिट होता, तो इसके 6800 डेबिट हुआ है और इसके 6800 क्रेडिट हुआ है। इससे इतने करने के बाद आपकी सेल एंट्री बन गई। ए को तो आपको 6800 से क्या करना है, डेबिट करना है, और बी को क्या करना है, 6800 से क्रेडिट करना है। और आपकी विधि क्या थी, एक दृष्टि द्वारा सुधार। जब आप एक दृष्टि करोगे उससे आपका पीछे का सारा सुधार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए को 6800 से डेबिट करने का मीन है कि एक ए से हमें 6800 रुपये लेने हैं और वो 6800 रुपये बी को देने। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, डेबिट किसको करना, ए को। ऐसे में ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी को क्या करना, क्रेडिट करना, टू बी कैपिटल अकाउंट। कितने से करना, तो इक्वल होगा 6800 से ही हो जाएगा और 6800 से ही हो जाएगा। तो ए 6800 से क्या हो गया, डेबिट हो गया, और बी 6800 से क्या हो गया, क्रेडिट। ये आपका एक दृष्टि द्वारा सुधार हो गया। यदि पूंजी परिवर्तनशील हो, मैंने आपको ये कही थी, जब तक ये होएगा, यदि पूंजी परिवर्तनशील हो, जब तो आपका इस तरह से सुधार होएगा। अब है अगर पूंजी के अस्थिर हो तो फिर वहां पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट रहेगा, एज करंट अकाउंट डेबिट, टू बीज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट, टू बी करंट अकाउंट। ये कितने रुपए से होगी, 6800 से 6800।